वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. एज यूजुअल ठंडी ठंडी हवा है, मेरे विंडो से आ रही है और बहुत अच्छी सी मॉर्निंग है हमेशा की तरह. और देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है. और आज मुझे कहीं जाना है. कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वो सब मैं आपको कैमरे के सामने आके बताती हूँ. तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाना है. तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मेरी चाय बनाने. यस, मेरे बोलने से पहले ही आपको पता चल गया होगा, बिकॉज़ दिस इज़ द लाइक सबसे पहली चीज़ जो मैं सुबह में उठ के करती हूँ, एक कप गर्मा गर्म मसाले वाली कड़क चाय और साथ में मोनाको बिस्किट्स या कुछ भी लाइक लाइट नाश्ता, वो एक बार मुझे मॉर्निंग में चाहिए ही चाहिए. तो बस वही कर रही हूँ. इसके बाद लंच का आज कुछ फिक्स नहीं है, मैं कुछ बनाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे ज़रा बाहर जाना है और टाइम नहीं रहेगा, मुझे थोड़ा तैयार होके जाना है. तो चाय वाय पी के बस फटाफट घर का काम निपटाना है, वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, एंड देन मैं मूव करूँगी तैयार होने. प्रिशा को साथ लेके जाने वाली हूँ. कहाँ लेके जाने वाली हूँ सब कुछ आपको बताती हूँ. फ़िलहाल मैं इन्जॉय कर लेती हूँ मेरी एक कप गर्मा गर्म चाय या टीवी देखते देखते, और साथ में खाऊंगी ऑफ कोर्स ये मोनाको बिस्किट्स जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और सुबह सुबह मुझे बहुत मज़ा आता है इसे खाने का. एंड ये है आफ्टरनून, या बीच में बात नहीं कर पाई हूँ क्योंकि कपड़े धो रही थी. तो इडली और डोसा हमने जोमेटो से मंगवाया और जिसे हम खा के तैयार होकर जा रहे हैं. और अभी और विवेक ने अपने लिए मंगवाई है बिरयानी. तो यहाँ पे मैडम शैम्पू करके बैठी हैं. फटाफट हम हमारा लंच करेंगे और रश करेंगे तैयार होने के लिए क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं बाहर. यस, अगर आपको लास्ट व्लॉग याद हो तो प्रिशा ने बोला भी था हम कहाँ जाने वाले हैं और रेड पहनने वाले हम दोनों. तो चलो दिखाते हैं आपको. कैसे हैं आप लोग? आपने देखा मुझे अभी तैयार होते हुए. यस, मैं जा रही हूँ एक फंक्शन में और वो है लेडीज़ फंक्शन, यानी कि फीमेल फन कैंप. या वहाँ पे मैं और प्रशा जा रहे हैं, उसके लिए तैयार हुए हैं. और वहाँ का ड्रेस कोड है आज रेड कलर का, तो रेड कलर की ड्रेस पहनी है मैंने, ये वाली. और ये लिपस्टिक एकदम डार्क रेड नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि मुझे डार्क रेड शेड बहुत अजीब सा लगता है मेरे ऊपर, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पिंक मिक्स करके लगाया है. एंड वहाँ पे है आज हाउसी और क्या है रैम वॉक और क्या है, काफ़ी सारी मतलब एक्टिविटीज़ हैं लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए. तो इसीलिए प्रशार में कंबाइन होके जा रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू हैव फन टुडे और आप लोगों को दिखाऊंगी जितना दिखा सके, जितना क्या बोलते हैं शूट कर सके उतना ज़रूर करूंगी. और कैसी लग रही हूँ मैं मुझे ज़रूर बताना. तो हल्का सा आई शेडो लगाया है और बीबी क्रीम लगा के मेकअप किया है मैंने, कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है. बीबी क्रीम कॉम्पैक्ट थोड़ी सी मैंने वो भी की है, कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग और ब्लश सब कुछ अप्लाई किया है. तो मैं एकदम तैयार हूँ. तो अब जा रहे हैं हम लोग, विवेक हमें छोड़ने जा रहे हैं कार से, क्योंकि अब ऐसा गेटअप है तो मैं बाइक कैसे चलाऊँगी. और प्रिशा ने भी वन पीस पहना है, आपने देख लिया. हल्का सा विंडो ओपन किया है ताकि अच्छे से लाइट आए. ये वाली इयररिंग्स कंबाइन किए हैं और अभी मैंने बालों को ना कॉम नहीं किया है ठीक से, इसलिए ऐसे मैसी मैसी हो रहे हैं. पर मैं ऐसे ही करके जा रही हूँ, अच्छा लुक क्रिएट हो रहा है ना, कर्ली कर्ली से हेयर्स. तो चलो प्रिशा को भी दिखा देती हूँ, प्रिशा भी तैयार है और विवेक खाना खा रहे हैं. हाँ, आपने देखा हमें इडली डोसा खाते हुए, तो आज मैंने बाहर से मंगवाए थे इडली डोसे हमारे लिए. कहाँ गई मैडम? प्रिशा यहाँ पे, चलो आपसे मिलवा देती हूँ. ओके, तो देख लो मेरी गुड़िया रानी, गुड़िया रानी भी तैयार हो गई है. कैसी लग रही है?
इन्होंने भी रेड पहना है, मैंने भी रेड पहना है। इनका गेटअप आपको बैक कैमरा से मैं शो करती हूँ एक बार। ओके गुलाबो देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। इसको भी मैंने रेडी किया है, हल्का सा मेकअप किया है, इसको भी बीबी क्रीम लगा के किया है और हल्की सी गोल्डन आई शेडो लगाई है और आईलाइनर लगा दिया है, काजल लगा बीबी दिया नहीं, है नहीं एक्चुअली प्राइमर से नहीं प्राइमर और फिर बीबी लगाई ना लगाई हाँ 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 हल्की सी बीबी लगाई की। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसने भी रेड पहना है, मैंने भी रेड पहना है। तो अभी बस ये खाना खा रही हूँ, मम्मी का लुक दिखा देती हूँ। सो मम्मा ने ये पहना है और मामा कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सी अभी ऐसे जाना चाहिए ना, मतलब ओनली लेडीज, तो वहाँ पे जितने भी लोग आने वाले हैं सारी लेडीज आने वाली हैं, सिर्फ लेडीज के लिए और लड़कियों के लिए ये फन कैंप है। और मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है अपनी बेटी के साथ, दो बेटियों के साथ, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ फन रियली, एक अलग सा एक्सपीरियंस। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं अकेले बाहर जा रही हूँ, मतलब विवेक के बिना। जनरली मैं जब भी बाहर जाती हूँ, एक मिनट बैठ के बात करती हूँ, जनरली जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो हमेशा विवेक तो होते ही मेरे साथ, कभी विवेक के बिना मैं हार्डली गई हूँ कहीं पे, कहीं नहीं जाती हूँ। तो ये थोड़ा सा फैल रहा है सब, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठीक कर रही थी सुबह में। और आज मॉर्निंग से क्या किया है, काफ़ी बिजी रही हूँ, बहुत सारा काम किया और फिर जाना भी था। और आज मैंने ना दही डाली थी बालों में, दही डाली थी हल्की सी मेहंदी ऐड करके ना, तो लेकिन बाल थोड़े से पता नहीं क्यों हार्श और एकदम ड्राइनेस जैसे हो रहे हैं, तो शायद मैंने बांध लूँ वहाँ जाके, आई डोंट नो। सेल्फी स्टिक में फिट किया है और अभी इतना ज़्यादा दुखी है, उसको मन कर रहा है मेरे साथ आने का, क्योंकि मैं कभी भी उसको लिए बिना आज तक कहीं नहीं गई हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसे जा रही हूँ उसको लिए बिना, तो उसका बड़ा मन कर रहा है। लेकिन उसको नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पे कोई भी बॉय नहीं आने वाला है। और मैं सोची हूँ बालों को बांध लूँ क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आप देख सकते हो, हाँ बांध रही हो, बांध लो और फ़ोन करो उसको प्राची को ना, वी हैव टू मूव नाउ, चलो चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है यार। चले प्रिशा, कर लो, चलो मैं बाल बांध लेती हूँ और देन बाय बाय करती हूँ, गाड़ी में मिलती हूँ आपको, विवेक छोड़ने आने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पे वॉच पहनी है और इन लोगों को खाना खिला दिया है, दोनों ने अपने लिए आज बिरयानी मंगवाई थी, हम लोगों ने मंगवाया था इडली और डोसा, आपने खाते हुए देख लिया, और इन लोगों ने मंगवाई थी बिरयानी। व्हाट यू विल डू, गुइया छिलेंगे हम लोग। गुइया छिलोगे? क्यों गुइया छिलोगे? अभी और मैं गुइया छिलेंगे। हाँ गुइया छिलेंगे, गुइया बाप और बेटा, बेटा और बाप, दोनों अकेले हैं पूरा दिन। चलो ओके, चलो चलते हैं, चलो मैं वहां जाके हेयर्स ओपन करने वाली हूँ, यहाँ से नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है, कुछ गैस वगैरह ऑन नहीं है, लॉक कर दो। ये इयर रिंग्स ठीक लग रहे हैं ना प्रिशा? मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे, पर ये रेड कलर के बहुत बड़े तो नहीं लग रहे ना? नहीं। आज मजा करने वाला है तू मामा के साथ बहुत सारा, ऐसे अच्छी लग रही है ना, या एकदम डॉल लग रहा है, क्यूटी पाई वाला। बीवी जा रही है इसलिए मजा पड़ गया, क्या करोगे मेरे पीछे, ऐश चला रहे हैं मुझे, मैं भी ऐश करने वाली हूँ, फन करने वाली आ जाऊँ क्या वापस। एक्चुअली हमारी गाड़ी के पीछे किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो विवेक हटाएंगे फिर हम जाएंगे, और मेरी फ्रेंड भी आने वाली है और आ गई। Oh my god, everyone is wearing red. Wow. Prachi, meet my friend Prachi. Yeah, she's also coming with us. और वो दोनों भी आ रहे हैं। Oh, 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 oh. तो हम सब जा रहे हैं आज फन करने। We are going to enjoy, we are going to rock. और ये सारे males घर पे रहने वाले हैं, जिसमें एक रहा मेरा चुन्नू मुन्नू, नहीं चुन्नू आ रहा है, मुन्नू घर पे है, बहुत अपसेट है, और पति देव भी घर पे है। सारे लोग रेड पहन के खड़े हैं, सारे आने वाले हैं। ये इसकी स्कूल फ्रेंड है, उसकी मम्मा है, उसकी छोटी बहन है, तो आज का ड्रेस कोड एक्चुअली रेड है और मेरी रेड रेड कार। हाँ चलो, ब्यूटीफुल गर्ल्स सिटिंग बैक साइड, देखते हैं आज क्या करते हैं विवेक और अभी, पूरा दिन घर पे अकेले। हम लोग आएंगे शाम को 6:30 बजे। मम्मी उन्हें बोला ना कि थोड़ा ब्लॉगिंग करे हमारे पीछे,
कोई भी एक फोन में पापा बोलेंगे हाय गाइस अभी रुचि नहीं है, अभी रुचि नहीं है, रुचि गई हुई है फन कैंप में और मैं और मेरा बेटा बोर हो रहे हैं और हम क्या करें और ब्ला 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 पका डालेंगे मेरे रुचि फैम को। तो हम लोग पहुंच गए हैं और जा रहे हैं लिफ्ट में और यहाँ एक रेस्टोरेंट है साई रेस्टोरेंट जहाँ ये फंक्शन है। प्रिशा बहुत प्यारा लग रहा है रे तू क्यूरी पाई बहुत प्यारी लग रही है झक्कास। अरे बंद हो गया फिर से खोलो। नो यार मेरे में नहीं है हार्ड लग यार एक भी नंबर नहीं है। नो ये भी नहीं है। नहीं यार एक ही आया बस 1515 और यार तेरा पूरा हाउस ही होने वाला है। उसके बाद मम्मी वो लोग टिकट ले लेते तो फिर मैं आपकी टिकट से खेलूं। हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट ट्रैवल किटी फाइव। बच्चे को क्या तो वी हैव फिनिश्ड द फंक्शन और वी आर गोइंग बैक और टाइम हो रहा है 6 बजे का। यस तो वी आर मूविंग नाउ और आई होप कि विवेक हमें नीचे मिल जाए। राइट नाउ वी आर इन लिफ्ट। आए क्या फाइनली हबी केम। अभी पीछे जाओ मैं बैठूंगी यहाँ पे। DIY क्या है? ये सब डब्बे हैं हमारे स्कूल के लिए। स्कूल में इतने छोटे डब्बे नहीं चलते अभी। वाओ प्रिशा ने विन किया है ये सब और वो भी फ्लेयर कंपनी के डब्बे। प्रिशा ने लकी ड्रॉ विन किया है और प्राची ने किया है हाउजी अभी और मैंने किया है बेस्ट मेकअप। जो बेस्ट मेकअप विन किया और मुझे क्या मिला है? मुझे ये मिला है। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में मुझे क्या मिला है। आओ ने बोला आओ ने मुझे 2 बार फोन किया और इतनी मीठी मीठी बातें करा रहा मुझे बोला मम्मा लव यू मम्मा मिसिंग यू। हाँ बाबू नहीं नहीं करके आई है घर पे हूँ मैं और 6:30 हो गए हैं मतलब जस्ट अभी आए हैं हम लोग 10 मिनट पहले
छः बजे फंक्शन फिनिश हुआ है और ये आज अकेला था, मतलब मम्मी के बिना था, मम्मी के बिना कभी होता नहीं है। आज पापा के पास था और पापा सो गए थे और अभी मोबाइल में गेम खेलता रहा था उतनी देर, तो मुझे लेने आया था अभी विवेक के साथ गाड़ी में, हम लोग को लेने आया था। और जैसे आपने देख लिया प्रशा ने वहाँ पे लकी ड्रॉ में, बात करो थोड़ी सी, चार गिफ्ट जीते, चार गिफ्ट नहीं हम लोगों ने दो गिफ्ट जीते, एक मैंने और एक प्रशा ने, और बताती हूँ आपको क्या क्या विन किया। मतलब बताती हूँ आपको, एक मिनट, हम लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे चाय बना के लाए हुए हैं मेरी और अबू की, और विवेक साइकिलिंग के लिए निकल चुके हैं क्योंकि हमें आज लेने जाने में उनको थोड़ा लेट हो गया है। और प्रशा भी कपड़े चेंज करके, वन पीस पहन के गई थी रेड कलर का, कपड़े चेंज करके नीचे गई है वॉकिंग करने के लिए और साइकिलिंग करने के लिए। और मुझे तो जैसे आपको पता है चाय के बिना नहीं चलता है, वहाँ पाव भाजी थी खाने में, पाव भाजी जस्ट अभी खाई है थोड़ी देर पहले, लेकिन चाय तो चाहिए तो चाय बनाई है, तो अभी और मैं इन्जॉय करेंगे अब। और यस, हमने वहाँ पे क्या विन किया, मैंने बेस्ट मेकअप के लिए प्राइज़ जीता, बेस्ट मेकअप। वहाँ पे वो कौन सा गेम होता है, नॉक नॉक, नॉक नॉक गेम होता है ना, उसमें उसमें बेस्ट मेकअप के लिए मैंने विन किया, तो एक छोटा सा गिफ्ट मिला है मुझे। और प्रशा ने लकी ड्रॉ में विन किया, क्योंकि जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए थे उन लोगों ने हमारा नाम लिखवा के एक बॉक्स में डलवाया था और उसमें से लास्ट में ना वो निकाले लकी ड्रॉ, तो उसमें प्रशा ने विन किया और उसको मिले हैं किचन के डब्बे, जैसे मैंने आपको दिखा दिए, दिखा दूँगी यहाँ रखे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा फंक्शन, और कभी कभी ऐसे होना चाहिए, लेडीज़ लोग ने कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। इतना अच्छा लगा, सब लोग रेड पहन के आए थे, ऑल वुमन वर वेयरिंग रेड कलर टुडे। बहुत इन्जॉय किया, रैम्प वॉक भी था, वो भी मैंने अटैच कर दिया, आपने देख लिया होगा, रैम्प वॉक भी किया, नॉक नॉक गेम था, देन हाउजी थी, हाउजी में हम लोग ने विन नहीं किया लेकिन मेरी फ्रेंड जो आपने देखा होगा उनकी दोनों बेटियों ने विन किया। यस, तो ऑल ओवर इट वॉज अ फैंटास्टिक डे विद फीमेल्स एंड अच्छा लगता है यार, ऐसे कभी कभी ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी अटेंड करनी चाहिए, औरतों ने मिलजुल के मज़ा करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। और लास्ट में थी पाव भाजी और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी था, ऑरेंज का कुछ था, इट वॉज़ रियली टेस्टी यमी। सो ऑल ओवर इट वॉज़ अ फैंटास्टिक फंक्शन, मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब जब उन लोगों ने अनाउंस किया कि किसने यहाँ पे बेस्ट मेकअप किया हुआ है, तो बहुत सारे लेडीज़ आए जो मेकअप करके आए थे, लेकिन उन सब में से उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया, क्योंकि आज मैंने बीबी क्रीम, फाउंडेशन तो नहीं लगाया, मैं आपको बता चुकी हूँ, बीबी क्रीम, लिपस्टिक और कॉन्टोरिंग थोड़ी सी की थी और ब्लशर, हाइलाइटर और आई शेडो सब कुछ वैसे लगाया था, तो ये विन किया, अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत खुशी हुई विन करके। और तो चलो चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद दोबारा बात करते हैं। और मुझे अब ये सब रिमूव भी करना पड़ेगा ना जो मेकअप करके मैं गई थी, और मैंने कानों में से निकाल दिए, दुख रहे थे मेरे कान। सो शाम की चाय एज ऑलवेज आपके साथ। तो मैं हूँ मेरी बालकनी में, आप चांद देख सकते हो, दिखाई दे रहा होगा आपको, आधा चांद है, बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। और टाइम है 11:30 का और वापस मैं आपसे बात नहीं कर पाई, मैंने सोचा तो था बात करने का लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि पूरा दिन मैं बाहर थी, आपको पता है दोपहर को आराम करने के टाइम पर भी मैं बाहर थी, मतलब जैसे पता है आपको मैं कहाँ गई थी। तो इस व्लॉग को मैं इस नज़ारे के साथ एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग और आपने इन्जॉय किया होगा, क्योंकि एक अलग सा व्लॉग था, इट वॉज़ अ फीमेल वुमन फन कैम्प। सो आई होप यू एन्जॉयड, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना यार, और कमेंट भी करना, शेयर भी करना फ्रेंड्स के साथ, और फर्स्ट टाइम कोई चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये मेरे बिल्डिंग से नज़ारा दिखता है इस तरह का, रात को बड़ा अच्छा लगता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं विवेक के साथ बाहर गई थी, और बाहर गई थी वो व्लॉग मैं ऑलरेडी दूसरा स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो उसे मैं कंटिन्यू करूँगी कल मॉर्निंग में, राइट। उसमें मैंने दिखाया है कि मैंने कैसे मेरा मेकअप आने के बाद रात को रिमूव किया था, मैं विवेक के साथ बाहर गई तो मैंने क्या मज़ा किया, वो भी आपको उस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इससे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तो देखना मत भूलना नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है। निकले थे किसी काम से लेकिन मज़ा करके आए, तो बाहर गई थी उनके साथ फिर से, और आने के बाद मेकअप रिमूव किया, कैसे किया, किस चीज़ से किया, कौन सा फेवरेट मेरा ऑयल है मेकअप रिमूव करने के लिए, वो सारा आपको इस नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो चलो इस व्लॉग को फाइनली एंड कर देते हैं, टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग और खुश रहो यार, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।